कांग्रेस की तरफ से केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने पीएम से कहा कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले। दरअसल ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से बनाया गया, जिसकी जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले। ईरानी पर ये आरोप नहीं है, पूरे दस्तावेज है जिन्हें आरटीआई ने ले लिया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है, ये गैर कानूनी तरीके से हुआ है। मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस ले लिया गया है। वहीं वो गोवा के कानून हिसाब से रेस्टोरेंट का एक लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि स्मृति ईरानी से हम जवाब चाहते हैं कि जिस आबकारी आयुक्त ने रेस्टोरेंट को नोटिस दिया उसके ट्रांसफर की तैयारी हो गई है क्या? क्या ईरानी जी ये आपकी अनुमति के बिना हो रहा है? ये धांधली कैसे शुरू हुई? सत्ता बल का प्रयोग प्रभाव फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए चल रहा है। वही जयराम रमेश ने आगे कहा कि हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि महिला आरटीआई एक्टिविस्ट को सुरक्षा मिले। कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कोई तूतू मैं का सवाल नहीं है। स्मृति ईरानी हमेशा सोनिया जी और राहुल जी के बारे में बोलती रहती है, लेकिन वो अभी आधारहीन होता है। हम कागजात के आधार पर बोल रहे हैं। कांग्रेस ने आरटीआई कार्यकर्ता रोड्रिग्स के जार को खतरा बताया है। बाकी आपका कहेंगे स्मृति ईरानी के बार को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।